क्या विकास होगा, बस वोट लेने के लिए ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है और क्या होगा। नीतीश कुमार जी के राज्य में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है ना वो विकास था, लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ भी विकास के नाम पे जो है सो पहले मतलब एक भी टेबल ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आप 200 रुपया नहीं देने पे इंदिरा आवास या आवासीय का आप सिर्फ काम हो पाएगा। अगर आपके चेक जैसे गाड़ी से जा रहे हैं हाँ छोटी मोटी बात को लेकर के आपको पुलिस पकड़ लेगा, आप 500-1000 रुपया देना ही होगा। विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ सहरसा में, विकास तो हुआ ही नहीं, देख लीजिए सारा कुछ ऐसे ही है, रोड नाला सब ऐसे ही है, कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ा आजकल का देखते हैं बर्बादी यही है कि बेरोजगारी है सब युवाओं को, इसीलिए परेशान। विधायक जी अभी जो वर्तमान थे कितना काम किए हैं सहरसा में? विधायक का कोई काम नहीं अभी, यहाँ हम लोग का सहरसा में कोई काम ही नहीं दिखता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीकांत, तो आप देख रहे हैं BeforePrint.in। विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा की सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। सहरसा में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, सहरसा विधानसभा, महेसी विधानसभा, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा और सोनवर्षा विधानसभा। चारों विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज अपने किस्मत अजमाने को उतर चुके हैं। अभी हम पहुँचे हैं सहरसा विधानसभा। सहरसा विधानसभा का यह जयप्रकाश पार्क है जहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या है मूड यहाँ की जनता का, क्या समस्या है उनके साथ में जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। चलिए आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? कृष्णा कुमार। क्या है सहरसा की समस्या, क्या आपको समझ में आ रही, क्या सब है? सर चुनाव होने वाला है, नेताजी लोग आएंगे, क्या समस्या है सहरसा की? समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है कि रोड का, प्रॉपर टाउन का रोड इतना ख़राब है जो हम लोग को पैदल क्या गाड़ी से या पैदल चलना में बड़ी बहुत मुश्किल है। रही जो इस समस्या को दूर करेंगे वो दे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है सहरसा का, कौन जीतेंगे इस बार? इस बार लवली आनंद। किस पार्टी से? RJD से। फाइनल है? फाइनल है। पटना की गद्दी पे कौन बैठेंगे, तेजस्वी जी या नीतीश जी? तो जब हम लोग दे रहे हैं RJD को तो हमको तो हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी बैठे। और सब बढ़िया सर, बताइए। क्या नाम हुआ आपका? अथर हुसैन। हुसैन साहब, सहरसा में मतलब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव जी, सहरसा में भी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है कितना, खैर पहली बार कितना विकास हुआ है सहरसा में? सहरसा में अभी रोड वगैरह काफ़ी अच्छे से बन रहा है और दिख रहा है, पहले काफ़ी जगह गड्ढा हुआ करता था लेकिन बहुत जगह सुधार हुआ है इस चीज़ को लेकर के। अभी हम गांधी चौक में थे और वहाँ लोग एक बैनर लगा के जाम किए हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस तरह का कितना, कहाँ से ये हो रहा है? नहीं तो रोड वैसे सब जगह भी नहीं बना है, बहुत जगह चल रहा है, प्रोसेस में ही है ना, तो काफ़ी कुछ जगह जैसे कि आपको रिफ्यूजी कॉलोनी चौक साइड पर बहुत बेकार हाल था लेकिन अभी ठीक हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ बना तो आपको महावीर चौक के पास का थोड़ा गैप है, तो वो सब प्रोसेस में है, बन जाएगा तो बेहतर हो ही जाएगा। ये सब बेहतर हुआ है, तो विकास हुआ है सहरसा में? जी विकास हुआ है, चल रहा है, अभी प्रोसेस और लेवल पे जाएगा। कोई कमी? कमी आपको फिर जैसे कि पोल्यूशन को लेकर के थोड़ा एक्टिव होना चाहिए चीज़ों में, कि कम से कम जो डस्टबिन वगैरह सब जगह है तो बहुत जगह डाला जाता है बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते कहीं कहीं पे, सब जगह का नहीं लेकिन बट कुछ कुछ जगह का होता है, तो उसको मेंटेन करें क्योंकि पोल्यूशन रहेगा तो फिर बीमारी फैलेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार भगत। अजय जी कितना विकास हुआ है सहरसा का? विकास तो अभी उतना नहीं हुआ है ना, लोग तो कह रहे हैं खूब विकास हुआ। कहाँ विकास, क्या विकास हुआ? रोड बन गया, चक चक कर रहा है रोड, तो इधर बना और कहाँ विकास हुआ है? बिजली बिजली भी बढ़िया हो गया है, पानी वानी बढ़िया। हाँ ठीक है, बिजली हुआ है और सचिन दिन हुआ है। और क्या विकास चाहिए था? और चाहिए शिक्षा चाहिए, और यही सब ना। क्या स्थिति है शिक्षा का? शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है। क्या लग रहा है सहरसा में जो है इस बार क्या होगा, माहौल क्या है? आप विश्वास सरकार बनने के बाद है ना, अब इस बार सरकार बनने के बाद किसका, वही तो सरकरवा का किसका बनेगा अब ये तो कहना मुश्किल है किसका बनेगा। पिछले बार किसका बना था? इस बार नीतीश का था। नीतीश का था, नीतीश रह जाएंगे इस बार तो उम्मीद है रहने का सहरसा में? हाँ सहरसा में भी रहने का उम्मीद। सहरसा में BJP खड़ा है, राजद खड़ा है, क्या लगता है किसमें है टक्कर? उम्मीद तो है नीतीश का है। क्या नाम है अभी आपका? नाम पवन कुमार है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, नेताजी लोग घर घर जाके वोट मांगने लगे, आप लोग यूथ हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार सहरसा का? देखिए सहरसा में जो पहला मतलब पहले अरुण यादव विधायक थे, उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया नहीं, उनसे पहले आलोक झा थे, उनका भी कोई काम संतोषजनक रहा नहीं, तो इन इस बार जो है सो अब देखते हैं RJD से लवली आनंद को मिला है तो हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ अच्छा करे युवाओं के लिए। और इतना विकास हुआ है सहरसा का? नहीं विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ सहरसा में, विकास तो हुआ ही नहीं, देख लीजिए सारा कुछ ऐसे ही है, रोड नाला सब ऐसे ही है, कुछ भी ठीक नहीं है। विकास जो नीतीश कुमार जी के पहले कार्यकाल में पंचवर्षीय कार्यकाल में हुआ था उसके बाद तो विकास हुआ ही नहीं कहीं, ये बात कुछ नहीं हुआ।
क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है सहरसा का? नहीं, इस बार सहरसा का ये माहौल है कि हमें लगता है कि इस बार जो है सो आरजेडी को मतलब जो है सो इस बार हमको लगता है कि वो उनको अच्छा बहुमत मिलेगा, लोगों का ऐसा लग रहा है। जैसे दोस्तों से बात करते हैं और किसी से बात करते हैं तो इस बार आरजेडी आनंद का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। अमित जी, सहरसा में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, सहरसा में क्या मुद्दा होगा चुनाव का? देखिए, मुद्दा तो कोई भी पार्टी लड़े विकास का मुद्दा होना चाहिए। कितना विकास हुआ है सहरसा का? देखिए, नीतीश कुमार जी के राज्य में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है ना, वो विकास था, लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ भी विकास के नाम पे जो है सो पहले मतलब एक भी टेबल ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आप 200 रुपया नहीं देने पे इंदिरा आवास या आवासीय का आप सिर्फ काम हो पाएगा। ठीक ना? तानाशाही अफसर तानाशाही। अगर आपके चेक जैसे गाड़ी से जा रहे हैं, हाँ, छोटी मोटी बात को लेकर के आपको पुलिस पकड़ लेगा, 500,000 रुपया देना ही होगा। अफसर तानाशाही इतना बढ़ गया है जिसका कि जवाब नहीं है। ना ओवर ब्रिज है, ना रोड है, ना नाला है। यहाँ से मेन पटना राजधानी हुआ, खगड़िया बेगूसराय होकर के रोड है, उसके लिए मात्र 40 किलोमीटर यहाँ से रास्ता है। उसके लिए आपको 125 किलोमीटर के बाद आपको खगड़िया पहुँचने। हाँ, ये सारा चीज़ तो व्यवस्थित है ही नहीं, चाहे किसी का राजा जाए, चाहे आरजेडी का राजा है या नीतीश जी का राजा है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो कि अच्छे नेता को, कोई अच्छे प्रोफेसर हो, अच्छा क्या कहा जाए, IPS अधिकारी हो, कोई भी ऐसा नेता है जो कि इस टाइप के आप को टिकट दे रहा है। जितना भी है सब क्रिमिनल, जितना भी है क्रिमिनल टाइप का जो भी आदमी है सबको उन्हीं को वोट दिया जाए, मतलब टिकट दिया जा रहा है। तो हम लोग को तो ऑप्शन नहीं बनता है, हम लोग को तो ऑप्शन बनता है सिर्फ लोटा नोटा नोटा तो नोटा लगाएंगे। हाँ, तो क्या किया जाए? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? साइन प्रवीण। साइन प्रवीण, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार, कितना विकास हुआ है सहरसा का? क्या विकास होगा, बस वोट लेने के लिए होगा वो होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है और क्या होगा। हम बोल, क्या नाम हुआ सर आपका? सुमन कुमार। वोट वोट गिराते हैं? हाँ, गिराते हैं। कितना विकास हुआ है सहरसा में? अब इस बार सरकार बदलनी चाहिए, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए। हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? हुआ नाला बनना, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं नाला बनना, सड़क बनना, यही सब विकास हुआ। क्या माहौल है सहरसा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है? माहौल तो इस बार RJD है। कैंडिडेट कौन है? लवली आनंद। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? जी सर, भोला कुमार। भोला जी, कितना विकास हुआ है सहरसा का? विकास तो ठीक ठाक हो रहा है अभी। क्या क्या हुआ विकास? विकास में तो जितना हुआ है वो तो दिखा देखे ही होंगे। तो क्या क्या आप बताएं ना। फिर भी सहरसा का हाल तो बर्बाद है ही। क्या बर्बादी हो गया है सहरसा में? सबसे बड़ा आजकल का देखते हैं बर्बादी यही है कि बेरोजगारी है सब युवाओं को, इसीलिए परेशान। विधायक जी अभी जो वर्तमान थे, कितना काम किए हैं सहरसा में? विधायक का कोई काम नहीं अभी यहाँ हम लोग का सहरसा में, कोई काम ही नहीं दिखता है विधायक का। कौन विधायक थे अभी? अभी अरुण यादव थे विधायक। अब क्या बन रहा है माहौल सहरसा का, आपके आपके नज़र में क्या हो रहा है सहरसा में? सहरसा में अब की बार देख रहे हैं RJD का जब आ रहा है तो अभी आप बोले कि RJD के विधायक थे अरुण कुमार, उन्होंने काम नहीं किया, फिर RJD के कैंडिडेट बदल के आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं फिर। इनसे क्या उम्मीद है? अब देखिए, अब सब उम्मीद लगाए हुए हैं तो उम्मीद तो पूरा होंगे ना ही नहीं। भाजपा से भी लोग खड़े हो रहे हैं, पप्पू यादव की पार्टी से खड़े हो रहे हैं, कई निर्दलीय लोग, बड़े बड़े लोग खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है, उन लोगों का कोई चांस नहीं है? तो सबका चांस सब 10 तारीख को ही। आपके मन में कौन है? हमारे मन में तो RJD जीतेगा आपकी बात। कैंडिडेट का नाम? जी, कैंडिडेट का नाम लवली आनंद बताया अभी इन्होंने, मेरे साथी। तो जो आपके साथी कर रहे हैं वही आप जी? जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अफजल किंग है। अफजल किंग जी, क्या है सहरसा में होने वाला? सहरसा तो अभी समस्याओं से भरा है, यहाँ तो हर तरह की समस्या है, जैसे कि रोजगार सबसे बड़ा समस्या, जो यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण नशा पानी का प्रयोग कर रहा है, दर बदर भटक रहा है, गलत राह पे चल रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ समस्या है कि सड़क नहीं है, नाला नहीं है, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो पूरा शहर जल जमाव से भर जाता है, जिसके कारण घर से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। एक छोटा सा एग्जांपल कि मेरा घर नरियार पंचायत पड़ता है, वहाँ उस नरियार शहर का मेन मुख्य रोड है, सुपौल जाने के लिए बाईपास सभी उसको बनाया जाएगा, इतना टूटा हुआ है कि हम लोग को जाने के लिए भी बहुत कठिनाई होती है, ई रिक्शा तक आना नहीं चाहता
गांव के लिए, कभी हम लोग ज़रूरत पड़ जाए कि हमको जाना है गांव या शहर डॉक्टर के लिए है, तो कोई रिक्शा अभी तैयार नहीं होता जाने के लिए, सड़क की स्थिति ऐसी है। मेरा कहना यही है कि जिसकी भी सरकार बने, जो भी सहरसा के प्रतिनिधि चुने जाए, वो सहरसा के विकास के लिए काम करे, अच्छा काम करे, सहरसा को तरक्की की ओर ले जाए। किनसे ये उम्मीद करते हैं आप? सहरसा से बहुत लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बार हॉट सीट बन गया है सहरसा बिहार का, आपको क्या लगता है सहरसा का क्या माहौल है, क्या मूड है? सहरसा का तो माहौल अभी जहाँ तक देख रहे हैं सब तरफ लोग भटके हुए, क्या कि कहना मुश्किल है, सब एक पर एक उतरे हुए हैं। कुछ लोग हैं बीजेपी से भी है, कुछ लोग राजद को भी दे रहे हैं, कुछ लोग को छोड़ दे, आपका क्या मूड है ये बताओ आप? जी ये पर्सनली मेरा बात हम अभी नहीं बता सकते हैं ओपन होकर के कि हम किसको देंगे नहीं देंगे, लेकिन पिछले बार किसको वोट किए थे आप? जी पिछले दफ़ा मेरा राजद को था वोट। अरुण बाबू आपके विधायक थे, कितना विकास किया अरुण बाबू? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, सहरसा में विकास होता तो फिर कोई हम लोग फिर उन्हीं को जाते, उन्हीं का साथ रहते, लेकिन कुछ भी ऐसा विकास नहीं देखने को मिला। आप लालटेन बटन नहीं दबा रहे हैं? वो हम बता नहीं सकते। अभी आपने बोला ना कि हम अगर विकास करे होते तो उनके साथ खड़े होते, तो अभी क्या लग रहा है? अभी तो वो तो अभी अरुण जी नहीं है, उनके जगह पे दूसरे आए हुए हैं, लवली आनंद जी आए हुए हैं, तो आप उनको वोट गिराएंगे? वो उनका देखने के बाद माहौल देखते हैं कैसा विचार है उसके बाद। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या होगा माहौल? तो अभी है ज़्यादातर उन्हीं का है कि उनको वोट दिया, सब तरफ से खबर सुन रहे कि उसी की है, लेकिन मैं पर्सनली अभी नहीं बता पाऊंगा। मतलब जिस और माहौल बनेगा उस और आप भी बह जाएंगे, कहना यही है आपका। चलिए सहरसा के यूथ थे, बह जाते हैं भावना में और हमारा सफर जारी रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।